आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इंडिया मीडिया टुडे मीडिया प्लेक्स से हम मौजूद है। दिल्ली कूच करने से पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की जनता से बातचीत की और ये कहा कि आज से जोड़ने की राजनीति शुरू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात और गुजरात के लोगों ने ही उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया है, सत्ता में इस काबिल बनाया कि वो भारत माँ की सेवा कर सके। तमाम बातें कही नरेंद्र मोदी ने और एक तरह से उन्होंने ये संबोधन कर दिया है कि अब गुजरात किसी और को सौंपकर मैं चला जाऊंगा दिल्ली के रास्ते। ये सामर्थ्य, ये पुरुषार्थ मुझे गुजरात की जनता के ही जरिए मिला है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। 7 RCR पहुंच रहे नरेंद्र मोदी, तो क्या है वो आंकड़े जिसकी वजह से ये सूरत, ये तस्वीर बन रही है। मोदी राज, जी हाँ, मोदी राज हासिल कैसे हो रहा है, कैसे मोदी मोदी आज लगभग हर तरफ से हुआ है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस हो सकती है, उत्तर प्रदेश बिहार में। और ये देखिए स्पाइडरमैन चढ़ रहा है ऊपर, ये स्पाइडरमैन अभी हटाएगा चेहरे पर से नकाब और आपको दिखेंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी आज किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ऊंचाई चढ़ी है उन्होंने भारतीय राजनीति में और शीर्ष तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसीलिए NDA को 335, शायद खुद नरेंद्र मोदी या फिर BJP के नेताओं ने नहीं सोचा होगा। और अब जरा राहुल गांधी पर नजर डालते हैं। एक तस्वीर ये भी है, चढ़ने की कोशिश, नीचे पहुंच जाते हैं साहब, फिर कोशिश करते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये पूरा का पूरा सफर 61 सीटों में सिमट गया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है देश से इन चुनाव में। ये देखिए गिर गए साहब, गिर गए। इतनी मुश्किल इस बार राजनीति की चढ़ाई रही उनके लिए। और अब बात अदर्स की, यानी अन्य की। ये देखिए ठीक ठाक पहुंच कर जरा अटक जाते हैं, 148 सीटें अन्य पार्टियों को गई हैं। दिलचस्प है, अगर इस जीत में सबसे बड़ा हीरो कोई निकला है तो वो है नरेंद्र मोदी। मैन ऑफ द मैच कहा जा सकता है अमित शाह को, लेकिन इसके साथ ही अलग अलग राज्यों का जिक्र होगा जिसमें ममता बनर्जी से लेकर BJD और जयललिता, ये सब जीत के हकदार रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस उत्तर प्रदेश की भूमि की, जहां पर इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये देखिए साहब करतबाजी करते हुए पहुंच रहे हैं ऊपर, और फिर ऊपर पहुंचकर देखिए जब हटाते हैं पर्दा, चेहरे से नकाब, तो 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। ये बताता है कि अपने आप में इतिहास रच गया है। BSP जैसी पार्टियों का सफाया हो जाना, मायावती की पार्टी का सफाया हो जाना, कांग्रेस का 2 सीटों पर अटक जाना, वही 2 सीटें जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी की हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और पूरे परिवार के जो लोग हैं उनकी कुछ सीटें छोड़ दें तो वहां भी बुरी तरह से हार। और अब BJP की उड़ान आपको दिखाते हैं, ये वाकई फर्श से अर्श तक की स्थिति है। 2 सीटों से ये देखिए एक के बाद एक 284 सीटों का एग्जिट पोल भी जब निकले तो 220-221 के आसपास अटक गए थे, उन सब को फाड़ कर, छप्पर फाड़ जीत से कहा जा सकता है। 2 सीटों का 84 में आप देख रहे हैं, वहां से लेकर 2014 का ये सफर देखिए, 284 सीटें, यानी स्पष्ट पूर्ण बहुमत, NDA के अन्य पार्टियों की भी जरूरत नहीं। ये बताता है कि देश ने इस बार मोदी मोदी कहा है, हर हाल में मोदी को एक स्थायी सरकार के लिए मैंडेट दिया है और कहा है कि आप शासन दीजिए, जिस विकास का आपने वादा किया है वो दीजिए, और अच्छे दिन का वादा तो आप बार बार करते रहे, वो तो देना ही पड़ेगा। मैंडेट 2014, देखिए आपका फैसला। ये भारत की राजनीति के नए शिखर पुरुष हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू ऐसा चला कि राजनीति के आकर्षण का केंद्र रहे परिवारों की सत्ता ध्वस्त हो गई। मोदी BJP की विजय गाथा के नायक साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को नया आयाम दिया। 1984 में देश ने कांग्रेस को बहुमत दिया, उसके बाद मतदाताओं का राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से मोह भंग हो गया। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को अपने आकर्षण में ऐसा बांधा कि स्पष्ट जनादेश के साथ दिल्ली पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है, और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। आजाद भारत में कांग्रेस को वाराणसी से उठे जेपी, वीपी और राम मंदिर के आंदोलन के चलते सत्ता गंवानी पड़ी। इसी वाराणसी को नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और 10 साल से केंद्र में बैठे गांधी परिवार को उखाड़ दिया। 60 साल से शासन करने वाले 60 सीटों को तरस गए। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। चुनाव के नतीजे आने के पहले शायद नरेंद्र मोदी के मन में यह धकधक होगी कि कहीं चुनाव के बाद मायावती, ममता या जयललिता की मदद न लेनी पड़ जाए, लेकिन चुनाव के नतीजों ने मायावती का सुपड़ा साफ किया तो ममता और जयललिता की अब मदद की जरूरत नहीं रही। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी अकेली पार्टी को, विरोधी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। हालांकि एनडीए पार्टनर्स की सरकार में जरूरत पड़ेगी, ये भी साफ करने से नरेंद्र मोदी नहीं चूके। ये नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कौशल है कि उन्होंने अपने चेहरे को देश की अस्मिता से जोड़ दिया। सपनों के सौदागर मोदी ने विकास के सपने बेचे, मंच मंच से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया और सत्ता को हक समझ बैठी कांग्रेस को दिल्ली की गद्दी गंवानी पड़ी। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। मोदी ने कुशासन से तंग जनता के सामने अपने व्यक्तित्व को विकल्प बना दिया। जनता को यकीन दिलाया कि वो उसकी उम्मीदों का बोझ ढोने लायक मजबूत पीठ रखते हैं। मोदी अपने इस राजनीतिक प्रयोग में सफल हो गए। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती, सरकार आसेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होगी। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 700 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं, उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। बोली, शख्सियत, ताने, तंज और सही मौके पर सही वार करना मोदी की आदत है। मोदी के वार इतने सटीक बैठे कि देश ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। साफ है कि मोदी जनता के दिलों में बस गए। इस पर किसी को शक हो तो जीत की सनद देखकर यकीन कर ले। गोपी घांगरे के साथ साहिल जोशी, वडोदरा आज तक। ये मोदी राज का दौर है। जी हाँ, मोदी राज की शुरुआत हो गई है। विरोधी खूब चीखते चिल्लाते रहे, हर बात पर ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी में 10 खामियां हैं, लेकिन आज भारत की जनता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये साबित कर दिया कि मोदी लहर है। लोगों ने वोट डाला और जिस तरह की अप्रत्याशित जीत हासिल की है नरेंद्र मोदी ने, उससे सभी विरोधियों के मुंह बंद हो गए। लेकिन पूर्ण रूप से 2014 का आम चुनाव मोदीमय रहा। मंच पर, राजनीतिक परिदृश्य पर और विरोधियों के दिमाग पर मोदी छाए रहे। विकास का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरे मोदी विरोधियों के लिए मुद्दा बन गए और ये मुद्दा ऐसा छाया कि उसकी छाया में सब थक गए। 6 करोड़ गुजरातियों का नेता करोड़ों भारतीयों का नेता बन गया। अब गुजराती मराठी सब आएगा, मराठी भी आएगा, लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। अब आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं, आप ही ने मुझे बना दिया।
वडोदरा में मोदी जीत के बाद पहली बार बोले, उन्हें सुनने के लिए उमड़ी भीड़ की आंखों में उम्मीद की चमक थी। आजाद भारत के इस यंग इंडिया ने मोदी को दिल्ली का तख्त सौंप दिया। हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में सुराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मोदी विरोधियों की उन्हें अछूत साबित करने की कोशिशें धरी रह गईं। उल्टे मोदी ने अक्षत्रपों के राजनीतिक दायरे को सिकोड़ दिया। मोदी के लिए यूपी बिहार के मतदाताओं ने जातीय दड़बों से बाहर निकलकर मतदान किया। मोदी के आकर्षण ने बीएसपी का ठोस दलित वोट खींच लिया। यूपी में माया की माया नहीं चली, मुलायम बस 5 सीटों पर सिमट कर रह गए। लालू की उम्मीदों की लालटेन बुझ गई, ये मोदी का मेहनताना है। इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। मोदी ने जनता में भरोसा कायम किया, उन्हें यकीन दिलाया कि राजनीति एक परिवार की बपौती नहीं है, बल्कि अंतिम आदमी भी दिल्ली दरबार का हकदार है। ये मोदी की बदौलत ही है कि बीजेपी आज इस मकाम पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को नई चाल दी है। जो बीजेपी यूपी में जमीन तलाश रही थी, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहचान बनाने में कामयाब हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी अगर गठबंधन के लिहाज से सर्वस्वीकार्य थे, तो नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो देश के लिए सर्वस्वीकार्य हैं। मोदी बीजेपी को गठबंधन की राजनीति से उबार लाए। साहिल जोशी, वडोदरा, आज तक। कोई यूं ही नहीं बन जाता महानायक। लोकतंत्र में जन समर्थन, और जब जन समर्थन का सैलाब हो तो ऐसे ही नायक बन जाते हैं। लेकिन अब बिहार बहुत दिलचस्प रहा इस बार। नीतीश कुमार के लिए क्या सबक है, क्या संदेश है, वो ये आंकड़े आपको बताएंगे। बताएंगे कि ये संकेत, ये सबक न सिर्फ उनके लिए है, बल्कि आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए भी। ये देखिए आंकड़े, ये आंकड़े बता रहे हैं। स्पाइडरमैन साहब पहुंच गए, नरेंद्र मोदी ने चेहरे से पर्दा हटाया। 31 सीटें, और इसी के साथ 31 सीटों के साथ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जबरदस्त बढ़त है। अगर दूसरे नंबर पर कोई है तो वो भी कांग्रेस प्लस, यानी आरजेडी भी इसमें शामिल है, 7 सीटें, और जेडीयू की 2 सीटें सिर्फ। यानी नीतीश कुमार का 2 सीटों में सिमट जाना ये कह रहा है कि जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए को छोड़ा, 17 साल की दोस्ती छोड़ी, उस दोस्ती को छोड़ने के लिए जनता ने उन्हें नकार दिया। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में रिजल्ट एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।